भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के इशारे पर गुंडाई करने का काम कर रहे हैं। उन लोगों ने मनीष गुप्ता की हत्या कर दी। ये लोग तमाम बार ऐसी घटनाएं होती हैं जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हमारे नेताओं पर आरोप लगाने का काम करते हैं। साथियों, आज बाबा साहब की मूर्तियां लगा करके बड़े बड़े आयोजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, लेकिन आप सोचिए, क्या ये बाबा साहब के विचारों को मानते हैं? क्या ये लोग डॉक्टर लोहिया के विचारों को मानते हैं? ये लोग तमाम बार ऐसी घटनाएं होती हैं जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हमारे नेताओं पर आरोप लगाने का काम करते हैं। या समाजवादी लोग डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों को भूल गए, बाबा साहब के सिद्धांतों को भूल गए, मौलाना अबुल कलाम आजाद के सिद्धांतों को भूल गए, जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों को भूल गए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग तो संविधान की मूल भावना को भूल गए हो। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में आप दलितों, पिछड़ों और अगड़ों को भी आप सताने का काम कर रहे हो। साथियों, कल की एक ज्वलंत घटना घटना उसकी बहुत बड़ा उदाहरण है। एक कारोबारी जो इस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि विदेश के लोग भी यहाँ पर कारोबार करने आ रहे हैं, लेकिन आप सोचो कि जब आपके कानपुर का एक व्यक्ति गोरखपुर में जाता है अपने व्यापार को लेकर के, और उस गोरखपुर में संविधान के रक्षक जो लोग कहे जाते हैं, वो लोग जो पुलिस की वर्दी में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के इशारे पर गुंडाई करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों ने मनीष गुप्ता की हत्या कर दी। बताओ, ये किस तरीके से संविधान बचाने की बात की जा रही है? साथियों, आज उसी गोरखपुर में जहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री जहाँ से 25 साल सांसद रहे, वहाँ पर मठ भी है उनका, लोग कहते हैं कि उसी मठ से सत्ता संचालित होती है, तो क्या गोरखपुर का जो SP है वह भी, और गोरखपुर का जो DM है वह भी उस मठ से संचालित हो रहा है? आज हमारे एक भाई मनीष प्रजापति की हत्या, उसी गलती सिर्फ इस ये थी कि वो पिछड़े समाज का है, वो भी एक दारू की दुकान पर, एक शराब की दुकान पर वो काम करता था। वो गुंडे, पता नहीं कौन गुंडे हैं, उसी थाना क्षेत्र में जहां पर मनीष गुप्ता की हत्या हुई, वही उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज मनीष प्रजापति की हत्या हो जाती है। तब साथियों, संविधान बचाने के लिए आप नौजवानों को आगे आने की जरूरत पड़ जाती है। मैं अभी साथी हमारे कह रहे थे, अच्छे भाई बोल रहे थे कि विश्वविद्यालय में बहुत सारी अनियमितता हो गई है। साथियों, आज की घटना में बता दूं कि मुझे जानकारी हुई है कि एयर इंडिया भी बेच दिया गया है, टाटा को सौंप दिया गया है। अब सोचिए कि एयर इंडिया का संचालन टाटा करेगा और लखनऊ एयरपोर्ट का संचालन अडानी करेगा। जब देश की बड़ी बड़ी संस्था का संचालन हमारे देश के पूंजीपति करेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे करके अमानी और अडानी को इस देश की सत्ता सौंप देनी चाहिए, क्योंकि आपको सत्ता पर बैठने का अधिकार नहीं है। जब आप इस देश के संसाधनों को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रख दोगे, हम देशवासियों को गुलाम बना दोगे, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं कि जो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे देश में व्यापार के उद्देश्य से आई थी। जिलाध्यक्ष समाजवादी छासवा, आप सभी का खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ, क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। साथियों, मैं सबसे पहले अपने भाई उत्तम दीक्षित का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना बेहतरीन आयोजन किया। आज जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आदरणीय दिग्विजय सिंह देव जी की निगरानी में पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी छात्रसभा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, उसी क्रम में आज लखनऊ विश्वविद्यालय में हम सभी साथ इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं चंद लाइनों के साथ अपनी बात को शुरू करूँगा कि हम आत इसे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आत इसे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे, तारीखें बताती हैं हर दौरे सितम की, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। नौजवान साथियों, विषय बहुत महत्वपूर्ण है, विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे संविधान को बचाने में, कैसे संवैधानिक मूल्यों को बचाने में हम नौजवानों की भूमिका क्या होगी, इस विषय पर आज हम विचार गोष्ठी कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर सभी वक्ताओं ने अपनी बात को रखा है। इरफान भाई ने बताया, आदर्श जी ने बताया, अवनीश जी ने बताया, अच्छे भाई ने बड़े विस्तृत तरीके से, हमारी बहन कांची ने बहुत विस्तृत तरीके से अपनी बात रखी है। मैं आप सभी की बातों से अपनी बात को संबंध करते हुए कहना चाहता हूँ कि साथियों, नौजवानों को आगे आने की जरूरत तब पड़ जाती है जब इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेने के बाद संवैधानिक मूल्यों की हत्या कर रहा हो। तब हम नौजवानों को आगे आने की जरूरत पड़ जाती है जब इस देश और प्रदेश की सत्ता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान को खत्म करने पर उतारू हो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि नौजवान साथियों 2014 से आज तक के चूंकि आप छात्र हो इसलिए मैं छात्रों से जुड़ी हुई बातें करना चाहता हूँ। आप सोचिए कि 2014 से लेकर के आज तक जितनी भी भर्तियां हुई कोई एक ऐसी भर्ती बता दो जिसमें आरक्षण नियमावली का पूर्णतया पालन किया गया हो, और अगर आरक्षण नियमावली का पूर्णतया पालन नहीं होगा तो निश्चित तौर पर संवैधानिक मूल्यों की हत्या हो जाएगी, संवैधानिक मूल्य खत्म कर दिए जाएंगे। क्योंकि जब संविधान बनाया गया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछा गया कि यह संविधान किस लिए और किन के लिए आप बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि यह संविधान यह सिर्फ और सिर्फ एक किताबी कोई पुलिंदा नहीं है, यह संविधान आने वाले समय में दलितों पिछड़ों और हमारे देश के अल्पसंख्यकों के भविष्य को सुनिश्चित करने का एक ग्रंथ है। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत। We'll be right back.